पुनर्नारायण गोक्सुरा बोथ आर ओल्ड एज सोतगना मूत्रलाल से. तो पुनर्नवा कहाँ पे यूज करना, गोक्सुर कहाँ पे यूज करना, बोथ आर मूत्रलाल बोथ आर सोतगना प्रोग्रेस. तो बहुत सारे बार क्या होता है, दोनों को ये नहीं है तो वो नहीं है तो ये, सब्स्टिट्यूट के जैसा यूज करते हैं. बट व्हेन यू सी इनटू द डीपली, अगर आप देखते हो तो दोनों के प्रॉपर्टीज कंप्लीटली अलग है. तो पुनर्नवा जो है इट इज ए उष्ण द्रव्य, गोक्षुर इज अ शीत द्रव्य. सो पुनर्नवा अगर आप देखोगे तो इसमें कफ और वात शामक है, लेकिन गोक्षुर जब आप देखोगे ये पित्त और वात शामक है. सो पित्त एंड वात जो श्रोता और कफ एंड वात जो श्रोता. तो यहां पे बोलते हैं पुनर्नवा जली या अग्नि को बढ़ाता है, शरीर के अंदर का क्लेद को पाचन करके स्वेद और मूत्र के द्वारा बाहर भेजता है. ये पुनर्नवा का काम है. वेरेज यू सी द गोक्षुरा, ये कफ का वर्धन करता है और पित्त का शमन करता है. तो ये शरीर के क्लेद को बढ़ाता है, बढ़ा के बाहर फेंकता है. एक पचा रहा है, एक बढ़ा रहा है. सो पित्त शमन करने का जहाँ पे कंडीशन आपको है वहां पे हम गोक्षुर यूज करते हैं. जहाँ पे पित्त का कोई रोल नहीं है वहां पे कफ और वात का रोल है, तो वहां पे हम पुनर्नवा यूज करते हैं. तो शरीर के क्लेद को मूत्र मार्ग से बाहर निकालते, दोनों मूत्रल है, लेकिन हम ऐसे कंडीशन में जहाँ पे हमें पित्त की ऑलरेडी वृद्धि है, पित्त के प्रकोप ऑलरेडी है, ऐसे में अगर हम पुनर्नवा फिर देंगे तो कठोरस उष्ण वीर होने की वजह से वो प्रॉब्लम को उतना साल नहीं करेगा. वहां पे हमें गोक्षुर चाहिए जो शीत है, स्निग्ध है, मधुर है. पित्त ऑलरेडी वृद्ध है तो उसको वृद्धि की जरूरत नहीं है, उसको शमन करके मूत्र मार्ग से बाहर निकलने वाला द्रव्य चाहिए, वो गोक्षुर है. लेकिन पुनर्नवा के कंडीशन में कफ और वात का आवरण की संप्राप्ति है, वहां पे कफ और वात दृष्टि ज्यादा है, तो उस समय हमें पुनर्नवा देना चाहिए जो कठोर कठोरस और उष्ण द्रव्य.